अधिकारी को दिए गए धमकी मामले में नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के मार्गदर्शन में 5 सदस्यों की एक विशेष टीम गठित की गई है, जिसमें से 3 टीम आज बेलगाम के लिए रवाना हुई है। धंतोली स्थित नितिन गडकरी जनसंपर्क कार्यालय में जनवरी और फरवरी माह को धमकी भरे फोन कॉल मामले में पुलिस अधिक सतर्कता के साथ काम कर रही है। नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के मार्गदर्शन में 3 टीम अधिक जांच के लिए आज बेलगाम की ओर रवाना हुई है। इस विशेष टीम में एक सहायक पुलिस आयुक्त, एक पुलिस इंस्पेक्टर, 2 पुलिस उप निरीक्षक और 1 पुलिस साइबर विशेषज्ञ शामिल होने की जानकारी सूत्रों ने दी है। यह विशेष टीम कर्नाटक में बेलगाम जेल के अलावा बेंगलुरु में कुछ ऐसे आरोपियों के बारे में पता लगाएगी जिनका नाम जयेश कांथा उर्फ जयेश पुजारी ने लिया है। आरोपी जयेश फिलहाल नागपुर पुलिस की रिमांड पर है। जयेश कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है, इसके बारे में पता लगाने के लिए इस विशेष टीम का गठन किया गया है। गौरतलब है कि नागपुर पुलिस ने बेलगाम जेल से जयेश पुजारी के बैरक से 2 सिम कार्ड और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जयेश करीब 10 साल से जेल में बंद था। जेल में भी उसकी गतिविधियां शुरू थी। जेल जाने से पहले उसके कुछ विनाशक लोगों से संबंध थे। जेल में जाने के बाद ऐसे अन्य कुछ और लोगों से उसकी दोस्ती हो गई। जयेश निश्चित तौर पर कुछ विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त होगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी जयेश पुजारी एक बड़ी खबर सामने आई है। जयेश के खुलासे के बाद बेलगाम जेल में आतंकियों का बड़ा मकर जाल काम करने की जानकारी भी सामने आई है। बेलगाम जेल में बंद आतंकी संगठन के सदस्य अकबर पाशा के कहने पर जयेश ने गडकरी के कार्यालय में फोन कर धमकी दी थी। यह जानकारी के सामने आने पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए 5 सदस्यीय विशेष पुलिस टीम का गठन कर टीम को बेलगाम जेल व बेंगलुरु जेल भेज चुकी है। विशेष पुलिस टीम बेलगाम जेल व बेंगलुरु जाने के बाद जयेश ने जिन लोगों का नाम बताया है उनका कनेक्शन व नेटवर्क को खंगालेगी। करीब 3 दिन तक विशेष बेंगलुरु व कर्नाटक जयेश में जुड़े नेटवर्क की तलाश पुलिस करेगी। आतापर्यंत आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की गडकरी साहेबांचं धंतोलीतील कार्यालय आहे, त्या ठिकाणी जानेवारी आणि मार्च असं 2 वेळा धमकीचे फोन आलेले होते। त्या संदर्भात अधिक तपास केल्याच्या नंतर बेळगाववरून आपण एका आरोपीला अटक करून त्याला नागपूरला आणलेलं होतं। त्यानंतर सदर आरोपीचं पोलीस कस्टडीमध्ये अधिक तपास केला असता त्याचे लिंक्स आणि सविस्तर इतर काही बाबी आम्हाला आढळून आलेल्या होत्या। तर त्या अनुषंगाने नंतर वरिष्ठांच्या सूचनेप्रमाणे ह्या केसमध्ये गैरकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक अधिनियम जो UAPA Act ज्याला म्हणतात तो कायद्याची कलम लावण्यात आलेली होती आणि त्यामुळे आता हा तपासाची व्याप्ती वाढलेली आहे। तर ह्या UAPAच्या अनुषंगाने देशविघातक कृत्य करण्यासंदर्भात जे काही ॲक्टिव्हिटी संदर्भात माहिती ह्या आरोपीने आपल्याला दिलेली आहे, हा जयेश पुजारी कांता हा जो आरोपी आहे उर्फ शाकिर, तर त्यांनी सांगितलेले काही नावं, काही व्यक्तींची नावं आणि काही संघटनांची नावं, ज्यामध्ये पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया सारखी संघटना जी प्रतिबंधित संघटना आहे त्याच्या पण काही लोकांची नावं आहेत। तर त्या संदर्भात अधिक तपास करण्यासाठी आता 3 टीम गठीत करण्यात आलेल्या आहेत माननीय पोलीस आयुक्तांच्या आदेशाने, आणि ह्या तीनही टीम आजच त्यांच्या तपासासाठी रवाना होत आहे। एक टीम बेळगाव इथे या ठिकाणी जात आहे, दुसरी टीम बेंगलोर या ठिकाणी जात आहे आणि तिसरी टीम बेंगलोर या ठिकाणी जात आहे। तर जयेश याच्या मार्फत मिळालेली संपूर्ण माहिती व्हेरीफाय करणे, त्या संदर्भात आवश्यक ते कागदोपत्री पुरावे, जबाब बयान गोळा करणे, विविध गुन्ह्यांमध्ये दाखल झालेले FIR तसेच चार्जशीटचे कॉपीज वगैरे सगळ्या अन्य इतर जे काही पुरावे शक्य आहेत त्या केसबद्दल ते गोळा करण्याचा आमचा यामार्फत प्रयत्न आहे। जयेशने मी जसं आत्ता म्हटलं की त्याच्या स्टेटमेंटमध्ये जयेश हा इस्लाम धर्म त्याने स्वीकारल्याच्या नंतर तो कट्टरपंथीयांच्या प्रभावामध्ये आलेला होता आणि त्याचं ब्रेन वॉशिंग जेलमध्ये झालेलं होतं। त्यानंतर त्यांनी काही प्रशिक्षण पण दहशतवादी कृत्यांचं जेलमध्ये त्याच्या बाहेर घेतलेलं होतं असं त्याच्या जबाबातून बयानातून समोर येत आहे। त्यांनी इन कॅमेरा जबाब पण आम्हाला दिलेला आहे। तर त्यामध्ये ज्यांनी त्यांनी ज्या बँड दहशतवादी संघटना PFI असेल किंवा अलकायदा असेल किंवा लष्कर ए तोयबा असेल त्यांचे काही व्यक्तींची आणि नावं घेतलेली आहेत आणि त्यापैकी काही जेलमध्ये आहेत काही बाहेर आहेत। तर ही संपूर्ण त्याचे जे काही त्यांनी आता जी कहाणी सांगितलेली आहे, ज्या घटना सांगितलेल्या आहेत त्या व्हेरीफाय करण्यासाठी ज्यांचे जबाब घेणं आवश्यक आहे त्या सगळ्यांचे जबाब आम्ही घेणार आहोत। NBCN News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट।